जैसे आपने बोला बच्चों को एनकरेज करना चाहिए, वैसे आप बिग बॉस के घर में भी गए थे कुछ बच्चों को एनकरेज करके, कुछ एडवाइस दे करके, तो वो आप अंदर जाके बाहर आए, वो छोटा सा जर्नी आपको कैसा लगा? मैंने सबके सबको उनकी अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें बोली और ट्राई किया कि सारे के सारे पंप हो जाएँ, सारे के सारा और बेहतर खेलें, और तीन हफ्ते बचे हैं अभी जो वैसे वैसे चार हफ्ते में ख़त्म कर रहे हैं। पारस को एडवाइस दी कि ये चीज़ें मत कर, हाँ हार भी तेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब मेरी बात हुई थी आकांक्षा से, तो उसने मुझे बोला जरा उसको बोल देना, वो उसको भिंडी बुलाती है, तो वो देख रही है हर चीज़, तू जब वो चद्दर में होता है जब बी केयरफुल वरना तो भिंडी का भरता बना देगी। बट हाल ही में पारस ने सलमान से ये भी कहा था कि वो आने से पहले वो ब्रेकअप करना चाहता है। वही मुझे लगता है कि मुझे लगता है आकांक्षा भी बहुत अच्छी लड़की है, पारस भी अच्छा है, लेकिन दोनों का आई थिंक फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा ब्राइट। आकांक्षा मुझे बोल रही थी बिंदु मैं तो सोच रही हूँ मैं ऑफिशियली ब्रेकअप कर दूँ जोर से उससे, मैंने रुक जा अभी बिग बॉस में वो है। क्या लगता है कि ये शो के लिए वो कर रहा है पारस या फिर नहीं? मुझे लगता है इनका आकांक्षा भी थोड़ी सी अपसेट है, दोनों का मुझे लगता है चलेगा नहीं। वो तो एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहती, मैंने उसको बोला अवॉइड कर दे, क्योंकि वो बिग बॉस के शो में तू कुछ बोलेगी वो बेचारे के चांसेस और ख़राब हो जाएंगे, तो वो भी जो जो गुड मोमेंट स्पेंड किए हैं उनको भूलना नहीं चाहिए। और आकांक्षा ने भी अभी तक ज़्यादा कुछ चिकन चिल्ली नहीं की है, पर अपसेट डेफिनेटली है। अंदर घर में जो मायरा उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड जो वो बोलते हैं उनको कितना ये रहना चाहिए कि जब उनको पता है कि पारस, देखो मायरा ने कुछ गलत ज़्यादा किया नहीं है, मायरा बच्ची सी है 22 साल की है, और वो उस घर में अगर आपको एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो उससे ज़्यादा बढ़िया चीज़ कुछ है नहीं, तो मायरा को एक सच्चे दोस्त की ज़रूरत थी, और उसने पहले दिन ही बोल दिया था कि मैं अगर साथ दूंगी, वो जब ऊपर खड़ी थी खिड़की सी में और पारस घूम रहा था नीचे, और शहनाज बोलती है मैं तो किधर भी इधर उधर भाग जाऊंगी, मायरा बोलती है मैं तेरे साथ ही रहूंगी अगर तूने मुझे चूज़ किया, और वाकई उनने ऐसा किया, ये हिस्ट्री है। तो आई थिंक दोनों दोस्ती तो मेड फॉर इच अदर है, उसके आगे अब उनके ऊपर है। पारस मुझे लगता है एक लड़की के लिए बना नहीं है, पारस नाम रखा है, वो अलग ही टाइप का हीरा है। आपने हिस्ट्री की बात की, तो जब आप बिग बॉस में थे और अब बिग बॉस जैसे चल रहा है एग्रेसिव एग्रेसिव झगड़ा इतना सारा, उसको कैसे देखते हैं आप? हमारे टाइम पे मुझे लगता है मैं दो या तीन लड़ाई की थी 3 महीने में, और ये लोग तो हर दिन लड़ाई कर देते हैं, लेकिन क्या सलमान सर को भी आ जाना पड़ता है घर के अंदर, इतना ज़्यादा हो जाता है। देखो हमारे टाइम पे बिग बॉस हमने ज़्यादा देखा नहीं था, 2 सीज़न देख के हम चले गए थे 3रे सीज़न में, अब ये लोग ने 12 सीज़न देख लिए, मतलब और इनको समझ में आ गया है, इनको समझ में पूरा गेम आ गया है कि ये लड़ाई करने से बचते हैं यहाँ, और बहुत लड़ाइयाँ करने लग गए हैं, तो लड़ाई करने वाले वाकई बच गए हैं काफ़ी सारे। मुझे आपके वक्त में ऐसा था कि आप गाली भी दे दो या धक्का मार दो तो आपको शो से बाहर निकाल देते, हाँ यहाँ पर तो उठा के पटक रहे हैं ये। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है हर साल थोड़े से और लीनियंट हो जाते हैं बिग बॉस, एक्शन थोड़ा ज़्यादा होने देते हैं, फाइट भी हो जाती है ज़्यादा। हमारे टाइम पे बेचारे के आर के ने एक बोतल फेंकी थी, उसको बाहर फेंक दिया था हमने, और यहाँ तो लोग पटकने शुरू हो गए एक दूसरे को, लोग घर के अंदर सलमान को भी नहीं सुन रहे, सलमान सर की बातें भी नहीं सुन रहे थे। देखो आपको समझना पड़ेगा वो घर के अंदर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि सलमान सर की बात सुनते हैं 2-4 घंटे तक याद रहती है, पर जब रात को सोते हैं और अगले दिन वापस प्रेशर आता है तो भूल जाता है। सिडनास ये वर्ड कैसा लगता है आपको? सिडनास वर्ड बहुत यानी ट्रेंड हुआ, बहुत चीज़ें हुई, दोनों साथ में थे और बाहर फैंस भी साथ में हो गए थे, लेकिन अब वो दोनों टूट गए तो बाहर के फैंस भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है वो बहुत गलत है। ये दोनों अपना अपना खेल रहे हैं, जो फैंस सिड के साथ लाइक करते हैं वो सिड के साथ रहें, जो शहनाज को लाइक करते हैं शहनाज को करें। सिद्धार्थ को घर का बाहुबली कहा जाता है, मतलब उससे जो भिड़ेगा तो फिर उसमें गाली पड़ेगा या फिर? देखो हाँ बिल्कुल, आपको समझना पड़ेगा सिद्धार्थ जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और मुझे लगता है जो आसिम ने उसको एक आध बार जो सुल्तानी अखाड़े में धक्का मारा बाहर, वो भी सिद्धार्थ ने उसको मारने दिया, उसीलिए मैं बोल रहा हूँ सलमान भाई को एक बार अखाड़ा वापस कर दो और दोनों को सच्ची लड़ने दो, एक बार 2 मिनट के लिए लड़ी लेने दो, ताकि हमें भी पता चल जाए क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा खून और बहुत ज़्यादा एक दूसरे से एंगर बिल्डअप हो गई है। पोक करना, हाँ हमने तो सिर्फ ग्लिम्स देखे आपके, बट आप घर में जाकर आए किसको क्या पर्सनली आपने एडवाइस देकर के? मैं सबको अच्छी अच्छी एडवाइस देके आया, सबसे पहले मैं पारस को मिला था, पारस को मैंने बोल दिया था कि भाई पारस तू जो भी कर रहा है बहुत अच्छा है, आबरा कटाबरा पारस छाबरा, और तू सब जैसा कर रहा था पहले वैसा ही करते रहे, 2-4 दिन से तू मायरा के साथ बैठा रहता तो वो बात नहीं आ रही, अभी एंड आ रहा है, जोश पकड़ ले और अलग हो जा अभी, हाँ जोश पकड़ ले, और मतलब जो पहले जैसा फुल पावर के साथ लड़ रहा था इधर उधर जा रहा था वो करे, और मायरा के साथ भी रहे नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी चीज़ें जो है वो पारस अब एक कोने में बैठने लग गया है लास्ट 4-5 दिन से, अब वापस स्टार्ट हो जाएगा वो। और फिर मैंने उसको बोला कि तेरी आकांक्षा ने जो बोला है कि भाई तू भिंडी तेरा भरता बनाएगी, चद्दर में जरा सोच समझ के कर, क्योंकि वो लव बाइट वाला जो केस हुआ है उसमें आकांक्षा थोड़ी अपसेट हुई, मुझे तो दिखी नहीं लेकिन इतनी बातें हो गई तो सब बोल रहे हुआ हुआ हुआ। उसके बाद मैंने बाकी सबको भी बोला,
कुछ ना कुछ अच्छा बुरा सबको जो 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 मुझे लगता है अच्छे। शहनाज को क्या समझा? शहनाज को मैंने समझाया कि शहनाज जब तू, हाँ जब तू हंसती है मजे करती है तो हमें बहुत मज़ा आता है, हंसी आती है, पर जब तू फ्लिप करती है ना ड्रामेबाजी तो हम लोग भी अपसेट हो जाते हैं। तो अगर तू सिड की बात सुनने ही नहीं वाली तो पूछ मत उससे, 100 बार तू उससे बात एक पूछती है फिर करती है अपना है तो तू अपना ही कर ना, उसको क्यों तंग कर रही है बेचारे को, तो आगे बढ़ और वही स्वीट और क्यूट रहे, ये इधर उधर फ्लिप करने से तू फ्लॉप हो जाती है। एक ही वर्ड पूछ रहा था, शहनाज फेक है या ड्रामेबाज? मुझे लगता है शहनाज जो है वो ड्रामेबाज है और काफ़ी अकलमंद है, फेक नहीं है, मतलब वो उल्लू नहीं है, जानबूझ के उनको लगता है, उनको लगता है कि एंड में जाके मैं सबको हरा दूंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिग बॉस के घर में ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो झूठ बोल रहा है चीटिंग कर रहा है वो बिग बॉस में जीत नहीं पाएगा। लास्टली आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप बिग बॉस को लेकर के, मैं सीजन को किस तरीके से फॉलो करूं? मैं फैंस को यही बोलना चाहूँगा भाई जो जिसको सपोर्ट करना है करे, सारे के सारे अच्छे हैं जो भी वहाँ गए हैं, हम तो चाहते हैं कि सबका बहुत अच्छा फ्यूचर हो, पर जीतेगा सिद्धार्थ शुक्ला ही, तो हम तो ये बोलते हैं और बोलते रहेंगे। ऐसे ऐसे क्यों, मतलब जिसको कोई भी देखे जीतेगा ही सिद्धार्थ शुक्ला, क्योंकि हम सब देख चुके हैं कि फिर बिग बॉस बायस हो जाता है क्योंकि सिद्धार्थ कितने बार एग्रेसिव होकर के लोगों को धकेल देते हैं। अब बिग बॉस जो गेम है ना, जब हम बाहर फैन जो देख रहे हैं, हमें चाहिए कि एक आदमी ना झूठ बोले, ना वो दोगला हो, ना वो कोई चीज़ से पीछे हटे, ना वो किसी को जो कोई जो कोई रॉन्ग बोल रहा है उसको उसके बीच में पड़े, हर चीज़ में सिद्धार्थ शुक्ला नंबर वन पे आके खड़ा हो जाता। सबसे हाईलाइट ये शो में था कि सलमान सर घर के अंदर आके बर्तन धोना, ये कोई एपिसोड में हमने उनको कुछ काम करते हुए देखा नहीं है, बट इस एपिसोड का वो हाईलाइट आप जब आपने देखा होगा तो आपको क्या फील हुआ था? वो थोड़ा सा दुख होता है, आपको समझना पड़ेगा ये घर वाले जब लड़ाई कर लेते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं करूँगा, जब मैं नहीं करूँगा चार लोग बोलते हैं और कोई कैप्टन होता नहीं तो सब लोग ही करना बंद कर देते हैं, तो वो घर में फिर बहुत गंद मच जाता है। और सलमान भाई ने खुद जाके, सलमान भाई जब अंदर आ गए साफ़ करने तो उनको बहुत बुरा लगा, उनको लग रहा था एक आध बर्तन साफ करके निकल जाएंगे, वो तो करते ही गए तो वो टू मच। टॉयलेट भी साफ किया सलमान भाई भी स्वच्छ भारत में जुड़ चुके हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।